नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। आप क्या कर रहे हो? अरे मिर्ची तोड़ रहा हूँ यार, क्या करेंगे। मिर्ची तोड़ने के बाद में मुझे हाथ मत लगाना यार। क्यों? क्योंकि मिर्ची का इतना जलन होता है ना हाथ में, बहुत ज्यादा जलन होता है। हां वो तो मुझे भी पता है। तो मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। अरे लक्ष्मी, मिर्ची तोड़ा हूँ तो मैं आपके किचन टिप्स में से कुछ होगा तो उपाय बताओ ना, मेरा हाथ जलन ना करे उसके लिए। ओके, क्योंकि ये तो बहुत हाथ जलन करने वाली है बिल्कुल। आप ये मिर्ची तोड़ने के बाद में हाथ मुंह को तो बिल्कुल मतलब कि मुंह में कभी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत जलन होती है। मैं आपको आइडिया बताती हूँ कि भाई आपके हाथ जो है वो जलन ना हो, इसलिए क्या करना है। दूध रहता है ना, दूध नॉर्मली सभी के घर पे रहता है, तो दूध को क्या करें, आप हाथ में लगा लो। तो ये दूध को आप लो और हाथ को हाँ इस तरह से लगा लो, तो इससे क्या होगी, हाथ ना जलन नहीं होगी, मतलब कि तुरंत ही ये जो मिर्ची का ये है ना तीखापना वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा तरीका है ये, मुझे तो ये पता थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इन्हें अच्छी तरह से घस ले हाथ को और उसके बाद में पानी से वॉश कर लेना है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये इस तरह से टी शर्ट जो है वो सबके घर में रहते हैं और यूज करने के बाद में ना ये टी शर्ट काम में नहीं आते, क्योंकि ये टी शर्ट जो है हम नॉर्मली बहुत खरीदते ही रहते हैं और जो पुराने टी शर्ट रहते हैं ना उसको फेंक देते हैं। तो ये क्या करना है, ये टी शर्ट को ना काम में लाना है, फेंकना नहीं है। तो आपके पास में वाइपर रहती है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसमें पानी लेते हैं, तो ये इस तरह से वाइपर में क्या करें इन्हें ना लगा ले। देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका है ये लगाने का, देखिए इस तरह से। और उसके बाद में मैं बताती हूँ कि कितना कमाल। उसके बाद में क्या करें, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये ना पोछा लगाने का काम में आता है। आप इस तरह से इसको पोछा लगा सकते हैं, ये देखिए कितनी आसानी से पोछा लग जाती है। बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आपके पास में पोछा लगाने का नहीं है तो आप इससे पोछा लगा सकते हैं। कितना अच्छा तरीका है ना ये पोछा लगाने का, तो इस तरह से पोछा लगा। अरे लक्ष्मी, ये बकेट बहुत गंदा हो गया, इसको कुछ साफ करने का आपका कुछ उपाय है क्या आपके पास? अच्छा बकेट तो हाँ बहुत गंदा हो गया यार, इसको साफ करना पड़ेगा। हाँ तो मेरे पास एक तरीका है साफ करने का, तो उससे करेंगे, चलेगा ना? ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से ब्रश को लेना है, उसके बाद में कोलगेट जो रहती है ना, तो कोलगेट को ले, कोलगेट को ब्रश में डाल दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि और क्या करना है। हमारी मेन चीज़ है हार्पिक, जो कि टॉयलेट साफ करते हैं, तो ये बहुत ही काम में आता है। मैंने इसमें कोलगेट डाल दी हूँ, उसके बाद में ये जो हार्पिक हैं जिसे हम टॉयलेट साफ करते हैं, तो उनको क्या करना है डालना है, देखिए इस तरह से डाल दें। इसके बाद में क्या करना है, जहाँ भी गंदा चीज़ें हैं, बकेट का हमारा गंदा है, तो उनको इस तरह से साफ करना है, देखिए इस तरह से साफ करना है। बहुत ही आसान तरीका है ये साफ करने का, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं इनमें से जो आजू बाजू का जो पोर्शन है ना, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से साफ हुई है। तो इस तरह से आप साफ कर लें। इस तरह से कुछ किचन टिप्स को फॉलो करें और अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा बनाएं। थैंक यू लक्ष्मी, आप मुझे इतने अच्छे अच्छे किचन टिप्स बताएं। ओह वेलकम। हाँ।